हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू द चैनल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इलेवन के लिए चैप्टर चैप्टर नंबर दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो यहां पर दो टॉपिक मेन हमारे इस में जिनको हम पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक है पहला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है और दूसरा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है तो दोनों टॉपिक को एक एक कर, कर हम पढ़ेंगे और दोनों को अच्छे से समझेंगे देखिए टॉपिक नंबर वन हमारा जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है इसको पढ़ने से पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं चैप्टर नंबर वन को आप सबने पढ़ा है चैप्टर नंबर वन वीडियो में याद करिए हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी तो आपको स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल याद होंगे एक बार उसको जल्दी से रिकैप करते हैं और रिकॉल करते हैं देखिए याद करते जाए रिपीट करते जाए मेरे साथ सबसे पहला स्टेप क्या था यस yes. Identification of business transaction. हम सबसे पहले identify करते थे में कौन कौन से ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है कौन सा नॉन मॉनेटरी है जो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी होते थे अकाउंट्स में उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता था नेक्स्ट स्टेप पे आते थे तो हम करते थे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जर्नल या फिर सब्सिडरी में होती थी रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासिफाई करते थे ट्रांजेक्शन को क्लासिफिकेशन होता था कहां पर लेजर में लेजर में क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समराइजिंग करते थे इन द ट्रायल ट्रायल बैलेंस बैलेंस और 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 के बाद एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता था फाइनल अकाउंट्स में और जब फाइनल अकाउंट बन जाता था रिजल्ट आ जाता था तो लास्ट स्टेप हम करते थे कम्युनिकेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे तो वही काम अकाउंटेंट का अब बढ़ेगा और अकाउंटिंग जब आती है

ठीक है जो ओनर है उसके घर का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा होता है मॉनेटरी होना चाहिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो पहला स्टेप होता है कि भाई एज एन अकाउंटेंट यू विल आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट एंड देन वेदर दैट ट्रांजेक्शन इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट बिजनेस का है या नहीं और मनी के सेंस में एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है नॉन मनी को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं अब एक बार अगर आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये बिजनेस का ही है रिकॉर्ड करने वाला है तो हम उसको अगले स्टेप पे लाते हैं अकाउंटेंट काम क्या होता है तो भाई ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन करना कि कोई भी ट्रांजेक्शन वेरीफाइबल है या नहीं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग चैप्टर में ठीक है तो वहां पर आपने देखा होगा कि हमें वेरीफाई करना होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को और बिना वेरिफिकेशन बिना किसी के प्रूफ के हम प्रकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो आपको यहां पे करना है कि अब अकाउंटेंट एक बार आइडेंटिफाई कर लेता है कि ट्रांजेक्शन बिजनेस का है या नहीं है तो अब उसका प्रूफ लेता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन उसका सबूत क्या है गवाह क्या है तो गवाह सबूत का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं जैसे बिल्स हो गए आपके मेमोज हो गए या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट इन्वॉइसिस हो गए जहां पर कोई भी सामान खरीदना या बेचने के एवेज में आपको जो भी प्रूफ मिलता है किसी भी ट्रांजेक्शन का प्रूफ क्या है कि मम्मी ने कहा आपने पांच सौ रुपए खर्च किए इसका सबूत दिखाइए तो आप दिखाओगे भाई मैंने पांच सौ रुपए की ये बुक खरीदी या ये, ये स्टेशनरी खरीदी या मैंने ये रेस्टोरेंट जाके ये डिश ऑर्डर की थी तो वो हो गया उसका सोर्स डॉक्यूमेंट की किसी ट्रांजेक्शन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है उसका ओरिजिन प्रूफ हो सके अब उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अकाउंटेंट का काम है वाउचर प्रिपेयर करता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर कैसे प्रिपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स ठीक है अब वाउचर बना लिया अब वाउचर की हेल्प से वो क्या करता है रिकॉर्डिंग करता है रिकॉर्डिंग कहां करेगा रिकॉर्डिंग आप लोग पढ़ चुके अकाउंटिंग साइकिल इसीलिए बोला था याद करिए दोबारा तो रिकॉर्डिंग दो जगह पर होती थी या फिर होती थी जर्नल में और या फिर हम करते थे सब्सिडरी बुक्स में अब ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्डिंग कहा करेंगे जर्नल में कर देंगे अगर बिजनेस छोटा है स्मॉल स्केल का है लिमिटेड ट्रांजेक्शन है तो हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हैं इसलिए हम बनाते हैं जर्नल लेकिन अगर बिजनेस का साइज एक्सपैंड करने लग जाए बड़ा हो जाए तो हम एक जगह पर सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे में हम क्या करते हैं जर्नल को डिवाइड कर देते हैं और कई सारी बुक बनाते हैं वही बुक्स कहलाती हैं सबसीडरी बुक्स सब डिवाइडेड जर्नल इनको बोलते हैं ठीक है तो यानी रिकॉर्डिंग कर लेगा भाई ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया अब रिकॉर्ड कर लिया फिर उसके बाद क्या करेगा उनको ले जाता है पोस्टिंग करने के लिए लेजर अकाउंट में अब ये पोस्टिंग क्या होती है पोस्टिंग मतलब लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना कहां से जर्नल से निकाल के लेजर में रिकॉर्ड करना जर्नल में हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे यहां पर हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अब उसमें से ट्रांजेक्शन की छटनी करना कि एक जैसे जितने भी सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह पर लिख देते हैं आसान हो जाएगा हमारे लिए अकाउंट प्रिपेयर करना तो ऐसे में एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड पोस्टिंग ठीक है तो कहां पर पोस्टिंग होती है पोस्टिंग इज डन इन लेजर तो पोस्टिंग के लिए हम करते हैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर और लेजर में प्रिपेयर होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसको बोलते हैं एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन यहां पर सबसे पहले क्या होता है पोस्टिंग होने के बाद अब पूरे साल के ट्रांजेक्शन को एक समरी शीट पर लाते हैं समरी शीट पर लाना मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना क्या प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं भाई इससे में क्या मिलता है एक समरी मिल जाती है पूरे साल के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसके एक समरी में रिपोर्ट आ जाती है इसको बोलते हैं समराइजिंग ठीक है अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं कि भाई जो भी रिपोर्ट आई है समरी आई है उसको स्टडी करते हैं चेक करते हैं कि भाई कंपनी ने कैसा अर्न किया प्रॉफिट या लॉस कैसी सिचुएशन थी उसको एनालाइज करना और उसको बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट फाइनल फाइनल क्या होते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये आप प्रिपेयर करते हो तो ये काम होता है किसी भी अकाउंटेंट का जब वो अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करेगा ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगा कि वो रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है बिजनेस का है या नहीं एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद वो प्रिपेयर करता है वाउचर्स वाउचर प्रिपेयर करने का मतलब हो गया कि वो प्रूफ ढूंढता है हर हाँ का विदाउट किसी भी के प्रूफ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रूफ मिल गया ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करते हैं एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे ले गए ताकि आसानी हो जाए हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आसानी से क्लासिफाई कर सके हम उसको स्टडी कर सके अब उसके बाद हम करते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर जिससे हमें पता चल रिपोर्ट की फर्म का फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है प्रॉफिट लॉस कितना आया बैलेंस शीट कैसी ये सब प्रिपेयर करना और फाइंड आउट करना हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है तो आई होप अकाउंटिंग प्रोसेस अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अकाउंटिंग साइकिल में steps थोड़े ज़्यादा होते थे, यहां पर कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं ठीक है? अब हम आते हैं अपने second topic पे, that is, basis of accounting. तो basis कितने हैं हमारे अकाउंटिंग में तो वी हैं? सबसे पहला आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक एक करके हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है ये एक ऑफ़ रिपेयरिंग कि इस मैथड के अकॉर्डिंगली भाई आप ट्रांजेक्शन को बिजनेस में तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको एक्चुअल कैश रिसीव हो जाए और या फिर आपके पास से एक्चुअल पेमेंट चली जाए अपना पैसा चला जाए या पैसा आपके पास आ जाए तभी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे अदरवाइज अकाउंट्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी ठीक है तो ये बेसिस क्या कहता है भाई आप कोई भी एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड इन कैश और सिमिलरली इनकम्स को रिकॉर्ड कब करोगे व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश अदरवाइज कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा बिजनेस में तो एज पर कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कोई जगह नहीं दी गई है जब पैसा आएगा या जाएगा तभी रिकॉर्ड होगा अदरवाइज उधार पे आपने कुछ खरीदा या उधार पे कोई पेमेंट रखी है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा अब क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो नहीं रहे लिमिटेड ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ में बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें उधार पे भी होता है क्रेडिट पे भी हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो इसलिए इस मेथड को जो हमारी अकाउंटिंग बॉडीज हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है उन्होंने मना कर दिया कि ये सही मैथड नहीं है अगर आप अकाउंट्स को इस मैथड में प्रिपेयर कर रहे हो तो गलत है हम इसमें इसको ऐसे ही नहीं करेंगे इसको अकाउंट्स मानेंगे ही नहीं तो ठीक है अब हम आते हैं दूसरे मैथड पर एक बेसिस क्या आया कैश बेसिस के बाद एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसको बोला एक बेसिस बेसिस आपने पढ़ रखा होगा उसी से इंस्पायर्ड है।, है भाई ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस का है उसको तुरंत रिकॉर्ड करिए एज इन वेन इट टेक्स प्लेस चाहे उससे पैसा आया हो अभी या ना आया हो फ्यूचर में पैसा मिलना बाकी हो या फिर पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है अगर हो गया तो भी अच्छी बात है और नहीं हुआ है तो फ्यूचर में होगा हम ट्रांजेक्शन को तुरंत दिखाएंगे ठीक है तो इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे तुरंत रिकॉर्ड होंगे, जब वो इनकर हुए व्हेन दे आर इनकर्ड व्हेन दे आर इनकर्ड मतलब जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है जैसे आज आपने पेमेंट परचेज कर लिया कोई चीज आज आपने सामान खरीदा है तो आज ही रिकॉर्ड करोगे कि ये पेमेंट आज की है भले आप पे एक हफ्ते बात करो इससे कोई मतलब आज ही आप इसको परचेज एज एक्सपेंस दिखाओगे सिमिलरली इनकम्स को कब दिखाओगे वेन यू हैव अर्न इट अर्न इट मतलब आपने उसको अर्न कर लिया है अर्न कर लिया मतलब सर्विस दे दी है गुड सोल्ड कर दिए तो तुरंत उस ट्रांजेक्शन को आप दिखाओगे आज बेचा है भले पैसा आज मिल रहा हो या ना मिल रहा हो या आप पेमेंट करो तो इन दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो वेदर कैश इज रिसीव्ड या पेड और नॉट भले पैसा आज पे किया हो या रिसीव किया हो या ना किया हो

अकाउंटिंग बॉडीज ने एक्सेप्ट किया है अगर इस मेथड से यानी एक्ल बेसिस आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सही माना जाएगा और हम तीसरे पे आते हैं देखिए हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब आप लोग खुद ही समझते हो कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स जब दो चीजों को मिला के एक नया ब्रीड तैयार किया जाए क्रॉस ब्रीड आप इसको बोलते हो तो जब दो चीजों को मिक्स कर मिक्स करके हम एक नया कोई भी एक मेथड प्रिपेयर कर रहे हैं यहां पर मेथड की बात कर रहे हैं तो दो मेथड को मिला के हम तीसरा मेथड बना रहे हैं तो वो हाइब्रिड जिसमें दोनों मेथड के कुछ कुछ फीचर्स होंगे तो यहाँ आप दोनों मेथड को अगर आप ऐड करके बनाओगे तो ये कहलाएगा आपका हाइब्रिड ठीक है तो हाइब्रिड मेथड क्या होगा इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्क्रुअल इसको एक बार देखते हैं देखिए ये हमारे पास एक इमेज के फॉर्म में है अगर आप डिफरेंस समझोगे कैश और एक्क्रुअल में क्या है तो कैश बेसिस क्या कहता है रिकॉर्ड इनकम्स व्हेन यू रिसीव इट यानी जब आपको पैसा मिला है तभी रिकॉर्ड करिए ठीक है जब आपको कैश इज रिसीव्ड तब आप रिकॉर्ड करिए और पेमेंट के लिए आपने क्या किया देखिए रिकॉर्ड एन एक्सपेंस वेन यू पेड वेन इट इज एक्चुअली पेड वेन कैश इज पेड तो पेमेंट यानी कैश बेसिस क्या कहता है इनकम को तब रिकॉर्ड करिए जब इनकम रिसीव हो जाए कैश में और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करिए वेन इट इज पेड इन कैश अगर आपने पे नहीं किया तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं ये मानते हैं अगर पैसा आया नहीं तो इनकम हुई नहीं यहां पे ये अज्यूम किया गया पर बेसिस आपको क्या कह रहा है रिकॉर्ड इनकम्स वेन यू अर्न इट अर्न का मतलब आपने हासिल कर ली है मीन सर्विस इज गिवेन और गुड्स आर सोल्ड यानी और सर्विस इज रेंडर्ड तो इधर यू हैव सोल्ड गुड्स और यू हैव रेंडर्ड सर्व तुरंत उसको रिकॉर्ड करिए भले पैसा मिला हो या ना मिला हो सिमिलरली रिकॉर्ड एन एक्सपेंस वेन यू इनकर इनकर मीन जिस दिन आपने सर्विस दे दी है या सॉरी हाँ यहां पर जैसे आपने कोई भी चीज परचेज कर लिया हो और या फिर आपने कोई इन, मतलब किसी से कोई सर्विस रिसीव की हो रिसीव्ड या टेकन आप लिख लीजिए तो आपने जिस दिन एक्सपेंस इन करके आज आपने सर्विस ली तो आज आपका एक्सपेंस माना जाएगा आज आपने गुड्स खरीदा तो आज ही आपका एक्सपेंस माना जाएगा आप पेमेंट कर दोगे तो भी और नहीं पे कर रहे हो तो भी मींस यहां पर हम क्रेडिट और कैश कैश प्लस क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और यहां पर क्या होता है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो मेजर डिफरेंस यही है कि एक्ट बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है तो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है और कैश बेसिस सिर्फ कैश को फोकस कर रहा होता है इसलिए इसमें थोड़े से कम एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं इसलिए इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया मेजर इसके डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो स्टेबल के फॉर्म में हम समझते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए सबसे पहले कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो कैश बेसिस कहता है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिए ओनली कैश ट्रांजेक्शन नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बेसिस कहता है कि भाई कैश क्रेडिट, well दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए अकाउंट्स में ठीक है सेकेंड देखिए लीगल पोजिशन मींस कौन सा बेसिस या कौन सा मेथड लीगली एक्सेप्टेड है तो लीगली एक्सेप्टेड कौन सा मेथड है कि तो फॉलो किया तो इट इज नॉट करेक्ट इट इज नॉट रिकोगनाइज बाई दू थाउजेंड थर्टीन ठीक है इसको मना कर दिया कि भाई ये मैथड सही नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी अब यह मैथड सही नहीं है तो इसमें

अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड कब किया जाएगा तो कैश बेसिस क्या कहता है कि जब पैसा मिल जाए या जब आप पैसा पे कर दोगे तभी रिकॉर्ड करोगे आज आपने सामान बेचा है फर्स्ट सपोज हम मानते हैं कि आपने सोल्ड किया है फर्स्ट जनवरी को सोल्ड किया लेकिन इनकम रिसीव हो रही है फर्स्ट अप्रैल को पेमेंट रिसीव तो कैश बेसिस कहता है कि ये ट्रांजेक्शन किस डेट का माना जाएगा अप्रैल का माना जाएगा एक अप्रैल को पैसा रिकॉर्ड हुआ है लेकिन बेसिस कहता है भाई एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन चाहे पैसा रिसीव हो रहा हो या ना रिसीव हो रहा हो। पे हो रहा हो या ना पे हो रहा हो तो इस मैथड से अगर आप करते तो ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट जनवरी का माना जाता लेकिन कैश बेसिस पे इसको क्या माना जाएगा फर्स्ट अप्रैल का जिस दिन पैसा रिसीव हुआ कैश बेसिस कहता है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे जिस दिन पैसा जाएगा या जिस दिन पैसा आएगा उसी दिन का ट्रांजेक्शन माना जाएगा कहता है भाई जिस दिन आपने सोल्ड किया या service दी या सर्विस दी कोई सामान खरीद लिया उस दिन का ट्रांजेक्शन माना जाएगा भले आपने पैसा तुरंत पे किया है या नहीं पे किया है पैसा तुरंत मिला है या ना मिला हो जिस दिन सर्विस दे दी या जिस दिन गुड्स खरीद लिए उसी दिन का ट्रांजेक्शन माना जाएगा क्लियर है सूटेबल अब ये किस 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 बिजनेस को सूट करता है कौन कौन ऐसा है जो कि कैश बेसिस को फॉलो करे या किसको ज्यादा ये सुटेबल होता है तो आप देखोगे प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं लॉयर्स हो गए डॉक्टर्स हो गए टीचर्स हो गए सीए हो गए ये ज्यादातर क्या फॉलो करते हैं कैश बेसिस को क्यों फॉलो करते हैं भाई क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस से मतलब तो होता नहीं है ये फी चार्ज करते हैं तो फी चार्ज करते हैं तो भाई ये देखते हैं कि कितना पैसा आया टोटल इनकम हमारी कितनी है उसके बेसिस पे हमको टैक्स पे करना है तो ये ज्यादातर कैश बेसिस को फॉलो करते हैं इनका कोई प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो उनको बनाना नहीं होता है लेकिन जब आप बात करोगे किसी भी बिजनेस की जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है प्रॉफिट जो बिजनेस हम कर रहे हैं उनको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होता है अपनी पोजीशन चेक करनी होती है फाइनेंशियली कैसा काम कर रहे हैं तो इसलिए वो प्रॉपर अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं और इसलिए बेसिस उनके लिए सूटेबल है ठीक है इसके अलावा भी और सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन ये जो तो सबसे कॉमन डिफरेंस सबसे ईजी है वो मैंने बताए नहीं तो फिर आप बुक से और भी इंटरनेट पर खोजिए आपको बहुत सारे डिफरेंस और मिलेंगे सबसे ईजी कॉमनली आपको याद करने के लिए ये पाँच डिफरेंस मैंने लाए हैं इस पर ज्यादा फोकस करेंगे इसके बाद हम आते हैं तीसरे बेसिस पे दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड बेसिस तो हाइब्रिड का मतलब बनाया था जिसको बोला था हाइब्रिड बेसिस तो यहां पर कैश बेसिस के भी कुछ फीचर होंगे और कुछ एक फीचर होंगे क्या फीचर्स थे इस सिस्टम में बोला गया कि जितनी भी रेवेन्यू होंगी यानी आपकी इनकम्स आएंगी और जितने भी एसेट्स होंगे उनको कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जब पैसा आ जाए तब मानिए कि आपका पैसा है जब आपके पास एसेट आ जाए तब माने कि आपके एसेट बढ़ गए हैं ठीक है तो यानी एसेट्स और इनकम को तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपके हाथ में पैसा आ जाए लेकिन जो एक्सपेंसेस होंगे और लाइबिलिटीज होंगी जो आपको फ्यूचर में पे करनी है तो यानी पेमेंट के केस में आप देखोगे कि वो तब रिकॉर्ड कर लो भाई अभी से मतलब आपने पे कर दिया तो भी रिकॉर्ड करो और अभी नहीं पे किया है, मान लो कि ये फ्यूचर में पे करना ही करना है इसलिए उसको बेसिस पर रिकॉर्ड करो मींस जो आपके पेमेंट्स होंगे करेंट पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट जो भी होंगे वो कैश और क्रेडिट पेमेंट्स सारे रिकॉर्ड होंगे लेकिन जो इनकम्स हैं आपकी वो आपको सिर्फ कैश में रिकॉर्ड होगी जब वो रिसीव्ड इन कैश हो जाए रिसीव्ड इन कैश और पेमेंट क्या होगा चाहे पेड इन कैश हो या फिर क्रेडिट पर हो दोनों ही रिकॉर्ड करोगे इससे क्या होगा फर्म को एक मिनिमम प्रॉफिट मिलता है जिसको बोलते हैं प्लेइंग सेफ इन अकाउंट्स इस मेथड से आप अकाउंटिंग में सेफ प्ले करते हो मिनिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलते हो क्योंकि आप खर्चे तो सारे मान ले लो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी देना पड़ सकता है तो जितने भी एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं आप सबको रिकॉर्ड करते हो पेमेंट अगर आपने सर्विस ले ली है तो आप पेमेंट तुरंत दिखाओगे भले अभी पे किया हो या एक हफ्ते बाद पे करोगे लेकिन इनकम को तब तक, तक नहीं मानोगे जब तक वो आपके हाथ में ना आ जाए ठीक है ठेके? इस मेथड को भी हमारे अकाउंटिंग बॉडीज ने एक्सेप्ट किया है और रिकॉग्नाइज किया है तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो तो इस चैप्टर में हमने ये दो टॉपिक पढ़े पहला टॉपिक एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था अकाउंटिंग तो प्रोसेस आपने देखा कि आइडेंटिफिकेशन वाउचर प्रिपेयर करना फिर रिकॉर्ड record करना रिकॉर्डिंग के बाद ट्रांजेक्शन को लेजर में ले आके पोस्ट करना और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाना यानी एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन करना हमारा फाइनल स्टेप होता है इसके बाद हमने देखा अकाउंटिंग के जो वाउचर्स के बाद बेसिस कौन कौन से आते हैं तीन बेसिस है अकाउंटिंग के कैश बेसिस एक्ल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस कैश बेसिस कहता है कि सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए हाइब्रिड हमारा दोनों का मिक्सचर है accrual कहता है कि भाई कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करिए हाइब्रिड में क्या बोला गया था हाइब्रिड में बोला गया था कि भाई जो एक्सपेंसेस होंगे या पेमेंट्स होंगे हमारे, उनको आप कैश में और क्रेडिट में सब मान के रिकॉर्ड जी अभी हो गया है या फ्यूचर में भी पे करना है लेकिन इनकम्स को तब तक रिकॉर्ड ना करिए जब तक वो हाथ में ना आ जाए यानी उसको accrual basis कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो हमारी ये टॉपिक आज कवरअप हो गया समझ में आ गया होगा आई गेस हाइब्रिड बेसिस में टॉपिक आपके लिए क्या है हाइब्रिड का मीनिंग और कैश और बेसिस में डिफरेंस क्या है तो इतना आज हमने रखा बाकी अब हम अगली क्लास में मिलते हैं टेल देन टेक केयर एंड बाय और करेंट एसेट्स नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट वी हैव टू टाइप एसेट ब्रॉडली बड़े बड़े शब्दों में देखें तो मोटे मोटे शब्दों में अगर आप देखोगे तो दो एसेट होते हैं भाई नॉन करेंट और करेंट अभी आपको करेंट का मतलब समझा दिया करेंट का मतलब अप टू वन ईयर तो ऐसा कोई भी um, एसेट ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारे पास एक साल तक रहेगी तो वो करेंट है एक साल से ज्यादा रहेगी तो नॉन करेंट है सिंपल नाम से पता चल जाएगा इतना आप एक्सप्लेन करो बाकी अब हम डिटेल में देखते हैं तो जब हम आएंगे नॉन करेंट तो नॉन करंट का मतलब ये है एक साल से ज्यादा तो एनी एसेट विच विल रिमेन विद द फर्म और एनी थिंग एनी एसेट दैट फर्म विल यूज फॉर मोर देन ईयर ऐसी कोई भी चीज फर्म की एसेट है जो कि प्रॉपर्टी है जिसको फर्म एक साल से ज्यादा समय तक अपने पास रखेगी और उसको यूज करेगी सजा के तो रखेंगे नहीं उसको यूज करने के लिए रखोगे तो उनको यूज करेगी यूज क्यों करते हैं ताकि हम फ्यूचर में से प्रॉफिट जनरेट कर सकें उसकी सर्विस को यूज करते हैं तो एनीथिंग एनी प्रॉपर्टी एनी पोजिशन दैट विल रिमेन विद विद द बिजनेस फॉर मोर देन वन ईयर और द बेनिफिट ऑफ विच बिजनेस विल टेक फॉर मोर देन वन ईयर जिसका बेनिफिट बिजनेस एक साल से ज्यादा तक लेगा और उसके बाद उसकी लाइफ खत्म होने के बाद से आफ्टर फाइव ईयर टेन ईयर्स हम उस चीज को बेच के कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते हैं जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन होगा आपने सोचा होगा कि भाई ये खरीद रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए खरीदते हो कुछ साल उसको यूज करते हो और उसके बाद उसको सेल कर देते हो या एक्सचेंज कर लेते हो आपके घर में बहुत सारी मशीने जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है आपने खरीदा है उसको यूज करने के लिए यूज करने के बाद कुछ सालों तक आप सोचते हो कि यूज करेंगे पांच साल दस साल पंद्रह साल जितना भी चल जाती है और उसके बाद उसको सेल आउट करके एक्सचेंज में कुछ और खरीद लेते हैं नई मशीन खरीद लेते हैं तो बिजनेस के पास भी ऐसे बहुत से एसेट्स होते हैं जिनको वो लंबे समय तक यूज करती है इसमें आपकी जो पहली कैटेगरी बनती है पहला चीज आता है इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स फिक्स क्या होते हैं हमारे ऐसे एसेट जो कि फिक्स रहेंगे जो हमारे साथ लंबे समय तक चलेंगे और हमारे फेम में फिक्स रहेंगे उनकी वैल्यूज ज्यादा चेंज नहीं होगी उनको हम लगातार यूज करेंगे आगे आने वाले पांच साल दस साल पंद्रह साल जितने भी और एक टाइम पीरियड बाद उसको सेल आउट कर देते हैं तो ये कहलाते हैं फिक्स एसेट जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे अब फिक्स एसेट को अगर आप देखोगे तो फिक्स एसेट कैन फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट टैंजिबल एंड इन अब टैंजिबल इन का मतलब क्या होता है

ऐसी क्या चीज है भाई बिजनेस में जिसको हम यूज करते हैं लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा जिसका हम बेनिफिट कई सालों तक लेंगे और उसको बेच के बाद में पैसे भी कमा सकते हैं जैसे मशीन है ना बिल्डिंग ये सब क्या है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर्स इक्विपमेंट्स ये सब क्या है Tangible, आप देख सकते हो कि भाई चेयर छू सकते हो बिजनेस में सोफा रखा है उसको उसको छू छू सकते 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 हो 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 टीवी लगी होगी देख सकते हो, बिल्डिंग को सकते हो, हम इस हो गया है, तो इसको बेच के हम दूसरा सामान खरीदेंगे इससे कुछ पैसे रिकवर कर लेंगे तो ये कहलाते हैं टेंजेबल फिक्स को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन देर आर समेबल फिक्स एसेट्स एज वाले कौन से गुडविल फर्म का एक बढ़िया सा अगर नाम है कि जैसे हमारा एक बढ़िया सा नाम बनाएंगे तो गुडविल हमारी अच्छी होगी तो हमें क्या मिलता है बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा गुडविल हो गए पेटेंट्स हो गए पेटेंट्स जो बिजनेस के पास पेटेंटिंग राइट्स होते हैं कि भाई ये एक अनोखी चीज है जिसको मैंने बनाया है मेरा ही आविष्कार है मेरे सिवा कोई और यूज नहीं करेगा यूज करेगा तो पैसे देगा तो हमने क्या होता है एनी थिंग विच इनेबल्स फॉर्म टू अन हायर प्रॉफिट इन द फ्यूचर ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करे क्या हेल्प करेगी गुडविल हमारी रेपुटेशन हमें हेल्प करती ना कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं आपके पास मोबाइल फोन खरीदने का अगर पैसे होते हैं तो आप वही मोबाइल लेते हो जो मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा होता है तो जिसकी रेपुटेशन अच्छी आप आईफोन पे जाओगे सैमसंग पे जाओगे या वन प्लस पे एम पे बाकी तब ऐसे ही है ठीक है <laughs> सो so, ऐसे में गुडविल इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट एक जिस फर्म के गुडविल अच्छे होगी उसके प्रॉफिट भी हाई होते हैं जिसकी गुडविल उतनी अच्छी रेपुटेशन मार्केट में नहीं नहीं उसके प्रॉफिट भी उतने अच्छे होते पेटेंट्स राइट है अगर आप पास ट्रेडमार्क है लाइसेंस है सॉफ्टवेयर हैं है, ये सारे आपके इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो आगे बनेगी अभी ठीक है तो अभी आप ये समझिए कि जो फिक्स एसेट होते हैं हमारे बिजनेस में फिक्स रहेंगे लंबे समय तक रहेंगे वो कौन से होते हैं टेंजिबल या इन टैंजल का मतलब हो गया प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर जिनको आप देख सकते हो छू सकते हो टच कर सकते हो ना वो हमारे हैं 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 जिसको देख तो नहीं सकते बट वो वो फिर भी एसेट एसेट होते हैं। क्यों asset होते क्यों बिकॉज हमें फ्यूचर बेनिफिट देते हैं उनकी वजह से हम फ्यूचर में और पैसा कमाते हैं इट इनेबल्स अ एनेबल्स टू अर्न हायर मनी और हायर प्रॉफिट इन द फ्यूचर कौन कौन से गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर इन सबको देख नहीं सकते क्या कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं है, हाँ, है, मेरी reputation बहुत अच्छी है, हम reputation को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते ठीक है? इसके अलावा, इसमें आपके आपके भी आते हैं, Investment को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी आप याद रखिए कि current assets आपके, जो नॉन करेंट एसेट है वो एसेट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया ऐसे एसेट जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे ठीक है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म लोन्स किसी को दिए हैं फर्म ने किसी को लोन दिया है लंबे समय तक तो हमें पता है कि वो लोन लंबे समय के लिए दिया दस साल के लिए लोन दिया तो दस साल तक हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा पैसा मिलेगा दैट इज आर लॉन्ग टर्म एसेट लंबे समय तक हम पैसा कमाएंगे तो ये भी क्या है हमारा नॉन करेंट एसेट्स हैं अब हम आते हैं करंट एसेट्स में क्या होते हैं भाई करेंट का मतलब आपको समझ में आ गया करेंट का मतलब क्या है करेंट ईयर एक साल का पीरियड तो लाइबिलिटी एक साल के अंदर जो पे करनी थी करंट लाइबिलिटी थी अब एसेट्स क्या होंगे ऐसे जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे और दीज आर दो एसेट थिंग्स दो गुड्स और द बिजनेस विच आर मेंट फॉर रीसेल जिनको हम दो ऑप्शन के इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा यहां तक इसको ब्रेक कर देते हैं ठीक है कलर चेंज कर देते हैं आपको समझ में आएगा इजिली तो इसमें दो चीजें क्या खास बात होती है पहला तो रीसेल के लिए होते हैं आर दोस थिंग्स आर थिंग्स टू बी इन द बिजनेस ऐसी चीजें जिनको बिजनेस में हम बेचने के लिए लाते हैं दुकान का सामान जैसे फर्नीचर आप बेचने के लिए नहीं लाते हो ना बिल्डिंग मशीन बेचने के लिए नहीं लाते हो वो, में यूज तो वो क्या है? फिक्स लेकिन का जो सामान है, है, तो है, है।, है तो कपड़े आपके है। अगर आपका है, तो उसमें जो दाल चावल सामान जो भी चीजें होंगी वो सब आपके गुड्स है तो उनको आप अपने साथ रखने के लिए थोड़ी लाते हो उनको यूज तो नहीं करोगे सेल आउट करने के लिए लाते हो तो वो क्या है आपके करेंट एसेट जो कि आपको एक साल के अंदर पैसा दे के जाएंगे उनको खरीदा है बेचोगे पैसा मिलेगा और या फिर इसके अलावा कोई भी चीज विच इनेबल्स अ फर्म टू अर्न मनी टू बी कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन ईयर ऐसी कोई भी चीज जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या हो जाएगी तो उन चीजों को भी हम बोलते हैं करेंट एसेट्स ऐसी कोई भी चीज जिसको बिजनेस खरीदता है फॉर रीसेल जैसे रीसेल के लिए हम क्या खरीदते है? हैं हम खरीदते हैं गुड्स जो दुकान का सामान है जिसको आप स्टॉक बोलते हो हो तो जो स्टॉक गया गुड्स ना लिखिए स्टॉक लिखिए तो जो दुकान का सामान होता है स्टॉक होता है वो आपका क्या है करेंट एसेट्स है जिनको आप एक साल के अंदर बेचने के लिए खरीद के लाते हो आप इसलिए लाए हो सो दैट इट कैन बी रिसोल्ड और उससे हम पैसा जनरेट करें आप ये कभी सोच के नहीं लाते हो कि इसको खरीद लेते हैं अगले साल बेचेंगे एक साल बाद बेचा जाएगा नहीं ऐसा होता ही नहीं आप खरीद के दुकान में रख रहे हो तो यू एक्सपेक्ट कि इट विल बी सोल्ड विद इन टू मंथ्स थ्री मंथ फाइव मंथ्स और अप टू वन ईयर तो हो ही जाएगा और इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जो कि आपको एक साल के अंदर पैसा देके जाए जैसे अगर आपने कस्टमर को उधार पे बेचा है तो डेटर से पैसा मिलेगा ना उधार पे किसी कस्टमर को बेचा है तो उसको एक साल का टाइम दोगे क्या कि एक साल बाद आना पैसे लेके कोई बात नहीं नहीं हम किसी को सामान उधार पर भेजते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन फ्यू डेज विद इन फ्यू मंथ्स वो हमको पैसे देकर चला जाए ठीक है या हमारा जो बैंक बैलेंस होता है हमारे बैंक में जो पैसा हम उसको एक साल के अंदर निकाल सकते हैं ना आराम से जब चाहे मन में आया तब निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाते हैं हमारे करेंट एसेट तो आपको डिफरेंस एंड आया एसेट्स क्या होते हैं एनी प्रॉपर्टी एनी थिंग विच इज इन द पोजिशन ऑफ द बिजनेस और एनीथिंग विच इनेबल्स फॉर्म टू अर्न मनी इन द फ्यूचर वो हमारे एसेट्स हैं अब ये दो टाइप के होते हैं नॉन टैंजल एंड नॉन एसेट्स एसेट्स क्या होते हैं हैं जो कि हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे, fixed assets रहेंगे ये दो टाइप के हो सकते टैंजिबल इन टेबल टैंजिबल मतलब जिनको आप देख सकते हो छू सकते हो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट कार्स व्हीकल्स कुछ भी और इनटैंजिबल जो हमारे साथ दिख तो नहीं रहे छू नहीं सकते लेकिन स्टिल दे आर एसेट फॉर अस क्योंकि वो हमें फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहे हैं जैसे गुडविल पेटेंट्स कॉपी राइट ट्रेडमार्क एंड सो so मेनी ठीक है ऑन दी अदर एंड हमारे पास दूसरे टाइप के एसेट्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं करेंट एसेट करेंट का मतलब एक साल एक साल के अंदर जो कि कन्वर्ट हो जाए या फिर कैश में और या फिर जिनको एक साल के अंदर हम बेचकर खत्म कर देंगे वो कहलाते हैं करेंट एसेट इनसे हमें एक साल के अंदर पैसा मिल जाएगा क्लियर है तो ये हो गए हमारे करेंट और नॉन करेंट एसेट्स इसके अलावा भी हमारे पास एक एसेट की कैटेगरी होती है मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाता हूं तो एसेट्स में अगर आप बात करोगे तो एसेट्स में एक और एसेट्स होता है या दो हम जिनको बोलते हैं जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस फिक्टिशियस एसेट्स या इनको बोलते हैं नॉमिनल भी नॉमिनल एसेट्स क्या होते हैं इनको देखेंगे और हम एक देखेंगे वेस्टिंग एसेट्स

इनको हम बैलेंस शीट में एसेट के साइड दिखाते हैं इसलिए इनको एसेट माना गया है क्यों माना गया है इनको हम बेच भी नहीं सकते इनसे हम कोई बेनिफिट भी नहीं ड्राइव कर सकते बस इनको एज एन एसेट दिखाया जाता है क्यों दिखाया जाता है क्योंकि ये ऐसे पेमेंट्स होते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हम कई सालों तक लेंगे जैसे एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या होता है पांच लाख रुपए खर्च होंगे अब एक बार पांच लाख रुपए हमने आज अगस्त के महीने में खर्च कर दिया या जुलाई के महीने में खर्च कर दिया सेप्टेंबर के महीने में खर्च कभी भी कर दिया तो क्या होगा क्या उसका बेनिफिट सिर्फ अभी मिलेगा नहीं एक बार एडवर्टीजमेंट खर्च कर दिया तो तो हम ये मान के चलते कि सपोज इसका बेनिफिट साल साल तक मिलेगा या पांच साल तक मिलेगा मिलेगा तो या फाइव लाख खर्च करके आपने फाइव इयर्स के लिए बेनिफिट ड्राइव किया तो हम इस खर्चे को पांच लाख इस साल नहीं दिखाते हम इसको पांच सालों में डिवाइड कर देते हैं कैसे डिवाइड करते हैं हर साल एक एक लाख रुपए और एक लाख रुपए इस साल का खर्चा दिखा के बाकी चार लाख रुपए जो खर्च किए हैं उनको हम एज एन एसेट दिखाते हैं कि वो वो लाख लाख अभी एसेट के तौर पे पड़े हुए हैं उनका बेनिफिट मिलेगा वो हर साल एक 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 रुपए हम कट करते जाएंगे कट करते जाएंगे और आखिरी में पांच साल बाद वो नील हो जाएगा तो पांच साल बाद वो एसेट भी नहीं रहेगा तो जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता उसको हम खत्म नहीं कर देते तब तक वो एज एन एसेट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ठीक है फिक्टिशियस एसेट्स आर दोबल नॉर एन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इनको एसेड साइड पर दिखाया जाता है बैलेंस के लिए इसलिए इन एसेट्स को हम एसे मान लेते हैं बट रियालिटी में दीज आर नॉट एसे क्लियर है एग्जाम्पल

जो कि टाइम टू टाइम उनका कंजम्पशन होने से वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो हमारे लिए एज एन एसेट नहीं रहते जैसे आपने देखा होगा माइंस, ऑयल वेल्स। तो माइंस हो जाए या ऑयल वेल well हो जाए ये आपके क्या है वेस्टिंग एसेट है इनको जब तक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स का या ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता रहेगा

फोकस फ्रॉम ऑयल इंडस्ट्री टू टूरिज्म इंडस्ट्री ठीक है एडवेंचर और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बिल्ड कर, कर रहे हैं एनकरेज कर रहे हैं हैं तो तो ये हमारे कहलाते स्पेशल टू ऑफ एसेट दैट इज एंड वेस्टिंग एसेट्स आई होप आज की चीज समझ में आई होगी आज हमने इस वीडियो में चार टॉपिक को कवर किया है कि हमारे कैपिटल क्या होते हैं सबसे पहले देखा कि कुछ भी अगर ओनर लगाता है अपने बिजनेस में कोई भी सामान लगाए पैसा लगाया गुड्स लगाया एसेट लगाया तो वो कैपिटल हुआ अगर बिजनेस से वो कोई भी सामान विद्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो बन जाती थी पर्सनलिटी फिर हमने पढ़ा लाइबिलिटी क्या होती थी एनीथिंग विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर बिजनेस को कोई भी सामान जो कि फ्यूचर में किसी को पे करना है कोई अमाउंट पे करना है तो वो लाइबिलिटी है और ऐसा कोई भी चीज जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पैसा देगा प्रॉपर्टी होगी तो वो एसेट्स होते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के चार टर्म थे अकाउंटिंग से रिलेटेड चार टर्म जिनको आप हमेशा हर, हर चैप्टर में और पूरे साल यूज करते रहेंगे अगले साल यूज करेंगे और जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक यूज करेंगे इसलिए सबसे पहले इन चार टर्म को आज हमने एक्सप्लेन किया है बाकी के टर्म हमारी अगली वीडियोस में आते रहेंगे सो स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए और शेयर भी करिए टेल देन टेक केयर एंड बाय